मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें मैं पूछा था कि मैं एक ब्लॉग बना के उसको मैं सेटअप करना सिखाऊं या मैं यूट्यूब चैनल पे मोबाइल फ़ोन से चैनल बना के मैं उसको सेटअप करना सिखाऊं। तो मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि यूट्यूब चैनल बना के उसको सेटअप करना सिखाइए। तो मैं आपको आने वाले कुछ ही वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको ये बताऊंगा कि आप YouTube चैनल के लिए वीडियो कैसे बनाएंगे, YouTube चैनल वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, YouTube चैनल को कैसे सेटिंग करेंगे, टाइटल्स क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या लिखना है। मैं आपको शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप मोबाइल फ़ोन से एक यूट्यूब चैनल को कैसे बनाएंगे और उसको कैसे सेटअप करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए आप कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें आप टाइपिंग कर देंगे gmail.com। चलिए इसमें हम टाइपिंग कर देते हैं gmail.com। टाइपिंग करने के बाद इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। जैसे इसको आप इनेबल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे पिक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ये पिक वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में जो है पूरा जो है जीमेल जितना रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको जीमेल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनेज अकाउंट, इस मैनेज अकाउंट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैनेज अकाउंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने में जो भी अकाउंट रहेगा वो सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं नीचे मैनेज अकाउंट इन योर डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में पूरा यहाँ डिवाइस ये ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ऐड अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने का आता है। अब यहाँ पे जो भी आपको लॉक लगा रहेगा वो लॉक को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करते तो यहाँ फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नाम डालेंगे। फर्स्ट नाम और लास्ट नाम डालने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे और ईयर डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है फीमेल है, तो इस तरीके से आपको जेंडर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से आप कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ से चूज कर सकते हैं या आप यहाँ से यूज मोबाइल नंबर पे जाके यहाँ से मोबाइल नंबर भी आप यूज कर सकते हैं या आप इसमें से लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ क्रिएट ऑन जीमेल अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब अपने हिसाब से यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब अपना यहाँ पासवर्ड चूज कर लेना, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ क्या करना है आपको, नेक्स्ट कर देना है। जैसे इस पर नेक्स्ट करते देखिए मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, चलिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है लेटर नंबर मिला के आपको डालना है। तो उस तरीके से यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज कर लेना है, क्योंकि ये धोखा आपसे भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये करके दिखाया है। अब यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे इस पर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर देखिए कि आपका जो है जीमेल अकाउंट ओके हो चुका है। अब यस आई एम इन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका अकाउंट यहाँ पर देखिए ये नाम से आपका अकाउंट यहाँ बन चुका है। या नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे आपका एग्री वाले पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका अकाउंट बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब जैसे कि आपका ईमेल आईडी बन चुका है तो सिंपली यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले आपको एक सेटिंग कर लेना है। इसके लिए सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद सिंपली आपको एक यहाँ पर आपको सेटिंग कर लेना है। सेटिंग वाला को ओपन करेंगे, इसको ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। ओपन होते ही आपके सामने ब्राउज ऐप का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि क्रोम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपका क्रोम ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो सेटिंग करना है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद सिंपली हम बैक आ जाएंगे। अब YouTube चैनल बनाने के लिए आप कोई ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें आपको टाइपिंग कर देना है youtube.com।
इसे देखिए यहाँ पे youtube.com आ चुका है, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन को इनेबल कर लेना है। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप वर्जन को इनेबल कर लेंगे। अब चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये पिक वाला ऑप्शन है, इस पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, ये करेंगे। स्विच अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो भी अकाउंट रहेगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड अकाउंट का, यहाँ पे ऐड अकाउंट वाले पे क्लिक करके जो भी अकाउंट बनाया है आपको इसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पे जो भी अकाउंट क्रिएट किए हैं वो अकाउंट आप यहाँ पर डाल के ऐड कर लीजिए। ईमेल आई डालने का सिंपली यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो YouTube पे नया अकाउंट बनाने के लिए आप पुराना जीमेल अकाउंट यूज करने के बजाय आप एक नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसको यूज कीजिए। तो यहाँ पे फिर से आएंगे, यहाँ जो पिक है इस पिक वाले पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है और यहाँ देखिए स्विच अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो सारे अकाउंट आ जाएंगे जो आपके रहेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो बनाया है वो अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए नीता कुमारी के नाम से यहाँ पर आपको अकाउंट मिल जाता है, अभी नहीं बना तो इस पे वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है पिक है एन लिखा हुआ, इस पिक वाले एन वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रिएट ए चैनल है, अब इस वाले पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही यहाँ देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्ट वाले पर। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यूज योर नेम और यहाँ पे आपका कस्टमर नेम, तो यहाँ पे आपको कस्टम नेम वाले पे सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, आपको ऐड चैनल नेम, तो आपके चैनल का जो भी नाम रखना है आपको इसमें ऐड कर देना। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ ताज़ा खबर, या मेरे चैनल का नाम है जूम, तो मैं यहाँ पे जूम टाइपिंग कर दूंगा। इस तरीके से टाइपिंग करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, एग्री वाले पे क्लिक करके इसको एग्री कर लेना है। और यहाँ है क्रिएट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ प्रोग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे आपका चैनल यहाँ पे जो है चैनल यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पे जो ही नाम है जीमेल का वो आ चुका है। तो आप चाहे तो अपना नाम यहाँ बदल सकते हैं या चाहे तो आप यही नाम रख सकते हैं। यहाँ क्रिएट चैनल पर क्लिक करके यहाँ क्रिएट चैनल वाले पर क्लिक कर लेंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे है गेट दिस ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि आपका बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। इसके बाद ऐड चैनल डिस्क्रिप्शन, आप अपना चैनल में क्या लिखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, फोटो अपलोड करने के लिए फोटो वाले पर क्लिक करके आप इसमें फोटो अपलोड कर सकते हैं। एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि अगर आपके पास YouTube चैनल है, व्यवसाय है या कोई बिजनेस है, अगर आपके पास लोगो नहीं है तो किस तरीके से एक प्रोफेशनल और HD लोगो कैसे बनाएंगे, वो भी फ्री में। तो आप अगर मेरा वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, मैं वो वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्री में HD क्वालिटी का आप लोगो डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, वेबसाइट है या YouTube चैनल है। तो मैं आपको यहाँ पे लोगो बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, सिंपली मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि आप लोगो कैसे बनाएंगे। मैं इस पर वीडियो पहले से अपलोड कर दिया हूँ कि आप जो है प्रोफेशनल और HD लोगो फ्री में कैसे बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, वेबसाइट के लिए। अगर आप YouTube चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख के बहुत ही आसानी से HD क्वालिटी का फ्री में आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, लोगो बना लीजिए और यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिए, या आप यहाँ पे कोई अपना फोटो भी लगा सकते हैं, या आप जो है लोगो डिजाइन करके लोगो बना के आप फ्री में HD क्वालिटी का आप लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख के बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे किस तरीके से फ्री में HD क्वालिटी का लोगो कैसे आप डिजाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो वो वीडियो आप देख के लोगो बनाना सीख जाइए और यहाँ पे आप उसको अपलोड कर लीजिए। तो आपको जो भी फोटो अपलोड करना है अपने चैनल का, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप कैमरा से भी ले सकते हैं या गैलरी में जाके इसमें आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड पिक्चर वाले पे क्लिक करके इसमें आप अपलोड कर लीजिए। तो जहाँ भी आपका फोटो है इस तरीके से जहाँ भी फोटो रहेगा आपको क्या करना है, फोटो को सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर यह फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ
और फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ डन वाले पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही डन वाले पे क्लिक करते यहाँ पर देखिए आपका फोटो आ चुका है। आप चाहे तो इसको रिमूव करके दूसरा फोटो भी लगा सकते हैं या इसको रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, रिमूव और रिप्लेस दोनों का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हेड चैनल डिस्क्रिप्शन, आपका चैनल किस बारे में है वो यहाँ पर आप एड कर सकते हैं अपने चैनल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख दिया हूँ, तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है अपना जो है कस्टम लिंक, तो आप अपना जो लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं अपने वेबसाइट का, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जिसका भी लिंक डालना है। तो यहाँ माय वेबसाइट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना वेबसाइट का नाम डालेंगे और यहाँ पर URL डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का भी इसमें आप लिंक ऐड कर सकते हैं। चलिए आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सिंपली इसको आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका चैनल यहाँ पर आप क्रिएट हो चुका है यहाँ नीता कुमारी के नाम से, और यहाँ पर आपका पूरा चैनल ओपन होकर आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ढेर सारा और भी ऑप्शन मिल जाता है होम का, वीडियो का, तो वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली जो है आपको यहाँ से पिक वाला ऑप्शन जो ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर आपको पिक नज़र आता है, इस पिक वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ योर चैनल पर क्लिक करेंगे और चैनल पर क्लिक करते यहाँ पर आप जो है अपने जो चैनल है उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ एडिट चैनल पर क्लिक करके यहाँ पर नाम एडिट कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से आप मैनेज वीडियो में यहाँ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इस वाले पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपको वीडियो है तो यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी वीडियो रहेगा तो यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर देना है। या इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ क्रिएट वीडियो है, यहाँ क्रिएट है, क्रिएट वाले पे क्लिक करके यहाँ से आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लाइव भी आ सकते हैं। तो यहाँ अबाउट का ऑप्शन ये हो जाता है कि आप जो चैनल पे जो ही पर्सन आएगा वो अबाउट में आप क्या लिखे हुए हैं वो यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करके वो देख सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ चैनल डिस्क्रिप्शन में लिख के दिखाया हूँ तो वो यहाँ पे आ चुका है। चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे आपका पूरा चैनल यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ चैनल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए चैनल आ जाता है। यहाँ पे प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपना चैनल के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं अलग अलग वीडियो के लिए। तो आप जो ही वीडियो बनाइएगा उस पर आप एक प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट वाले पे जाएंगे और यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ अपलोड या वीडियो पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से लाइव आ सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको कैसे वीडियो को अपलोड करना है चैनल पे। यहाँ होम वाले पे क्लिक करके आप अपना होम में आ सकते हैं। यहाँ तो आपको पिक आ गया, यहाँ पे अपना जो भी लोगो बनाइएगा वो लोगो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ये तो हुई आपको जो है एक्सटर्नल, और इंटरनल सेटिंग के लिए आपको करना क्या है तो इसके लिए सिंपली हम फिर से चलेंगे, आप कोई ब्राउजर में ओपन करेंगे। ब्राउजर में गूगल डालने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपका जो है अकाउंट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ जो है पिक वाला ऑप्शन है, पिक वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे योर चैनल है, योर चैनल वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका चैनल यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो के आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनेज वीडियो, कस्टम चैनल का ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने अबाउट बता दिया हूँ कि यहाँ पे इसे जो भी आपके चैनल पर आएंगे वो यहाँ से आपको वॉच कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ चैनल में अपना चैनल रख सकते हैं, प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ होम पे जाके अपना होम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप तो ये बात हुई कि आपको किस तरीके से सेटिंग करना है। सो यहाँ आप जो पिक वाला है पिक वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये जो है इसका डैशबोर्ड आपके सामने में ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है। यहाँ से आप अपने चैनल के लिए कुछ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपना चैनल कीवर्ड है, अपना चैनल का कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना पिक वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन यहाँ पे देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग चैनल, तो अपना वीडियो वगैरह फिल्टर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से लाइव आ सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर और ऑप्शन मिल जाता है। ये आपको इंटरनल सेटिंग है, जो आपको इंटरनल सेटिंग यहाँ से कर लेनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वीडियो का वॉच टाइम कितना घंटा चला है, कितना व्यूज आया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एनालिसिस पे क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिखा देता है कि आप कितने जो है क्रिएट किए हुए हैं, आपको कितना पब्लिश हुआ है, वो आपको यहाँ पर आ जाता है। यहाँ कॉपीराइट का स्ट्राइक होगा वो आएगा, यहाँ कॉपीराइट का स्ट्राइक वाले क्लिक करके अपना कॉपीराइट का स्ट्राइक जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर आपको वो शो कर देता है। इस तरीके से अगर आप चैनल को मोनेटाइज करते हैं तो यहाँ पर देखे हैं कि डॉलर का सिंबल बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है।
यहाँ पर देखिए डॉलर वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आपका जो सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा। तो पब्लिक अगर आपके वीडियो को 4000 घंटे बाद देख लेगा और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो यहीं से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। ये तो बात हुई कि आप मोबाइल फ़ोन से कैसे यूट्यूब चैनल बनाएंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा लैपटॉप से, जिससे मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लैपटॉप से भी आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उसको कैसे सेटअप करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और इससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सभी कुछ बता दिया हूँ, होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल और अबाउट। यहाँ अबाउट में जाएंगे, यहाँ से जो भी पब्लिक आपके चैनल पर आएंगे वो आपको यहाँ पे अबाउट में क्या लिखे हैं वो पढ़ सकते हैं। चैनल पर जाके अपना चैनल देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाके यहाँ पे आप जो भी वीडियो बनाइएगा अपलोड कीजिएगा उसके रिकॉर्डिंग आप यहाँ प्लेलिस्ट तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ बैक आ जाएंगे, यहाँ वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका होम आ जाता है। सो इस तरीके से आप गाइस बहुत ही आसानी से मोबाइल फ़ोन से ही आप घर बैठे अपना YouTube चैनल बना सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि मोबाइल फ़ोन से एक YouTube चैनल को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।